Let's do it. आज मैं Hi guys, good morning. Welcome back to our channel हिंदुस्तानी जोड़ा. आज है थर्सडे और थर्सडे हमारा हॉलीडे है जर्मनी में आज. तो हम लोगों ने कल की छुट्टी ले ली है फ्राइडे की, तो हमारे पास 4 दिन का लॉन्ग वेकेशन हो गई है. तो हमने सोचा चलो इसको यूटिलाइज किया जाए, और कुछ काम भी था. तो मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करना है फ्रैंकफर्ट से. तो हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं अभी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15, ठीक है. और हम लोग फ्रैंकफर्ट के लिए निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं, और वहाँ से फिर हम लोग कहीं पर घूमने का भी प्लान कर रहे हैं. वो वहाँ पर जाके डिसाइड करेंगे अभी. और हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ रुकने वाले हैं, उनसे मिलेंगे पहले और उनके यहाँ स्टे करेंगे. अभी हम ऑटोबान पे हैं, जर्मन ऑटोबान पे, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह तो स्पीड लिमिट होती है, लेकिन कई ऑटोबान्स पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है. तो आप लगा लो मैक्सिमम, हाँ अभी जिस पे हम चल रहे हैं उस पे 120 स्पीड है, लेकिन हमने कई ऑटोबान ऐसे भी देखे हैं जिन पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है. वो एक मुझे लगता है अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है ना. सो ये हमारी जब से गाड़ी आई है ये हमारी पहली लॉन्ग ड्राइव होगी आप कह सकते हो. हम इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हम इतनी दूर गए नहीं थे अभी तक. हम नियर बाय सुपर मार्केट चले गए या कहीं कहीं ऐसी जगह ही गए थे. सो या वी आर 4-5 दिन अभी, हाँ ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, अभी एक वीक से कम ही हुआ है गाड़ी को आए हुए. और उसमें भी हम वीकेंड पे अवेलेबल नहीं थे, हम शादी में चले गए थे जर्मन इंडियन वेडिंग में. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू हैव दिस लॉन्ग ड्राइव. सो आपको दिखाते रहेंगे कहाँ जाते हैं, क्या घूमते हैं, क्या करते हैं, और फ्रैंकफर्ट कैसा है आपको जरूर दिखाएंगे. चलिए बने रहिए ब्लॉग में. लेट मी शो यू, हम 127 पे चल रहे हैं. सो यहाँ पे आ गए हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए. अच्छा यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑटोबान पे आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए ना तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑटोबान पे आपका पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे क्या होता है यार, पेट्रोल पंप ना में ना कोई होता नहीं है पेट्रोल भरने के लिए, आपको खुद ही निकाल के खुद ही भरना होता है. आपको काउंटर नंबर याद रखना है, आपने कितना भरा, कितनी आपकी पेमेंट हुई है. और फिर हर एक पेट्रोल पंप पे एक शॉप होती है जहाँ पे अंदर जाके आपको वो रिसिप्ट दिखानी होती है, आपको काउंटर नंबर बता देना होता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपने कितने का भरा, क्या प्राइस है, और आपको पेमेंट करके निकल जाना है. सो इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी. अगर आप नहीं ऑनेस्टी दिखाएंगे तो आपके पास एक अच्छा सा लेटर आ जाएगा आपके लेटर बॉक्स में. हम लोग यहाँ पे पहुँच गए रुडशाय. हाय फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लोर करें मेरे साथ जर्मनी के एक चार्मिंग टाउन को, फेरी टेल टाउन जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम है रुडशम एम राइन, जो कि एक पिक्चरिस्टिक टाउन है जो कि लोकेटेड है राइन वैली में जर्मनी में. और ये जो है ये फ्रैंकफर्ट से आप मैक्सिमम 1 आवर की ड्राइव है, लेस देन 1 आवर, 50 मिनट्स अराउंड ही लगते हैं. अब इस छोटे से टाउन के बारे में आपको जानकारी देती हूँ. देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना ब्यूटीफुल है, जिससे आपने हाउसेस देखे कितने सुंदर थे. और ये जो है ना अपने वाइन यार्ड के लिए बहुत फेमस है. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वाइन टेस्ट भी कराई जाती है, वाइन की आप
टूर भी ले सकते हो। हमारे पास टाइम कम था तो हमने वाइन टूर नहीं लिया था, बट हम लोगों ने सिटी को एक्सप्लोर किया था, इस टाउन को एक्सप्लोर किया था। बिल्कुल फेरी टाइल वाली फील दे रहा था, जैसे नैरो स्ट्रीट्स थी, विंडो बनी हुई थी, वहाँ से आप वाइन ऑर्डर कर सकते थे। फिर सामने ये पूरा रिवर का व्यू था, राइन रिवर, जिस पे ये बना हुआ है। और यहाँ पे इस दिन ना, जिस दिन हम लोग गए यहाँ पे, कुछ तो बाइकर्स का इवेंट भी हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी बाइक्स यहाँ पे थी और बाइकर्स थे, और इसकी वजह से हमारी कार भी हमें थोड़ा दूर पार्क करनी पड़ी थी। फिर हमने ये खूबसूरत विंडो से हम लोगों ने अपनी ड्रिंक ऑर्डर करी, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने सिटी को एक्सप्लोर किया अपना ड्रिंक को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी केबल राइड के लिए, ताकि हम जहाँ के जो वाइन यार्ड्स हैं उनको हम ऊपर से देख सकें कैसे दिखते हैं वो, उनका कैसा नज़ारा है केबल कार के थ्रू। बंद कर दो मेरा भी। दीपांशु कहाँ जा रहे हैं हम? बाइक। सो गाइस, हम लोग ग्रूडेशाइम में हैं अभी, और हम लोग वाइन यार्ड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं केबल कार से। अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर है। फ्रैंकफर्ट के पास है ये, लाइक 50 मिनट्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। और पहले हम थोड़ा सा वो हो रहे थे कि हम ये राइड करें या ना करें, बट देन वी डिसाइडेड नो, लेट्स डू इट। गाइस प्लीज मेरी वॉइस पे मत जाना, मैं बस एंजॉय कर रही हूँ। तो कोई प्लीज ऐसा कमेंट मत करना कि इतनी बेसुरी आवाज में गा रही हूँ मैं। मुझे पता है मेरी आवाज बहुत बेसुरी है। उनको देखो, वो लोग बाइक ट्रेवलर्स। धीमी धीमी हवा के साथ ये धीमी धीमी राइड चलती हुई, और जो यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, इतना पीसफुल महसूस हो रहा था ना। देख ये वाले फूल थे वो। ओके, इसी फ्लावर्स का वो जूस, इसकी वो ड्रिंक बनी ना, जूस। हाँ अच्छा, हाँ यार क्या मस्त है। यहाँ पे हम लोग अपने जो घर से फ्रूट्स लेके आए थे वो यहाँ पे खाए और इन्जॉय किया, थोड़ा सा व्यू को इन्जॉय किया, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन मौसम जो था ना वो काफ़ी क्लाउडी था, क्योंकि थोड़ी देर बाद इवन विंड भी बहुत तेज़ चलने लग गई थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर घूमा टहला और थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी, और फिर थोड़ा सा आगे गए हम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। ये 6 बजे ना लास्ट राइड होती है, जो कि नीचे जाती है वापस होने की तरफ। और ये व्यू आपने देखा होगा, कितना शानदार व्यू था, बहुत सुंदर है ना। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और हम वो लेंगे केबल कार फिर से। 6 बजे की लास्ट है और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं वापस से केबल कार लेने के लिए। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो मेरा अम्ब्रेला निकल गया। हम लोग नीचे जा रहे हैं केबल कार से वापस से, और ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, ये वाइन यार्ड है, और पूरी यहाँ पे वाइन यार्ड की है, खेती हो रखी है, और बहुत अच्छा व्यू था टॉप से, है ना। और अब बारिश शुरू हो चुकी है, और मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप नियर टू फ्रैंकफर्ट रहते हैं। ये जो राइड है ना, मैं डेफिनेटली बोलूँगी बिल्कुल वर्थ इट है। ये 10 यूरोस टू एंड फ्रो लेते हैं, लाइक जाना और आना, जिसमें दोनों कवर्ड होता है, बट रियली इट इज़ वर्थ इट एक्सपीरियंस अगर आप रूडेशाइन विजिट कर रहे हैं तो। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस केबल कार राइड। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने वापस आके थोड़ा सा सोचा कि यार थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढा कॉफ़ी के लिए। और बारिश में कॉफ़ी पीने का तो अलग ही मज़ा होता है, जैसे कि अब यार चाय तो मिलती नहीं है, चाय होती तो और बेस्ट होता, बट ठीक है हमने कॉफ़ी से काम चलाया। यहाँ पे मुझे ना एक हैंडपम्प दिखा, जैसे आप देख सकते हैं ये नल, ये वर्किंग तो नहीं था बट ऐसे देख के लगा ज़रूर फोटो क्लिक करानी चाहिए। सो आपको कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग मेरा, ज़रूर बताइएगा। जो इतना प्यारा सिटी है, कैसा लगा आपको?
तो यहाँ पे हम लोगों ने चार्मिंग से टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद वापस से ड्राइव बैक करना शुरू किया अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे। तो ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा इस टाउन का, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, देख तो लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को बनाने में, नहीं तो फुल टाइम जॉब के साथ मेरे लिए करना बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।